ओके दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे टॉप 8 स्मार्टफोन की जिनके अंदर आपको 8GB तक की रैम देखने को मिलती है और काफ़ी हाई आपको इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलती है और कीमत दोस्तों इन स्मार्टफोन की 20,000 रुपये से भी कम है। तो आज की वीडियो को पूरा जरूर देखें अगर आप ज़्यादा रैम वाला स्मार्टफोन परचेस करने की प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि इसमें फ़ायदे कई हैं। आपका स्मार्टफोन हैंग होने से बचता है और गेमिंग परफॉर्मेंस भी आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। लेकिन दोस्तों एक बात को पहले ही क्लियर कर दें कि ये स्मार्टफोन सस्ते वेरियंट में भी आते हैं। ज़्यादा GB रैम अगर आपको लेनी है तो हाँ थोड़ी कीमत ज़्यादा खर्च करनी पड़ेगी और वही स्मार्टफोन की आज हम बात करने वाले हैं। तो शुरुआत करें दोस्तों अपने सबसे पहले स्मार्टफोन से, जो कि दोस्तों हमारा होगा वीवो की ब्रांडिंग के साथ वीवो Y50। इसमें 8GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलता है, जिसकी कीमत 15,499 रुपये आपको लगभग देखने को मिल जाती है। कीमत थोड़ी बदल सकती है क्योंकि वीवो ओप्पो अपने स्मार्टफोन की कीमत थोड़ी थोड़ी चेंज करते रहते हैं, ज़्यादा नहीं, आपको सिर्फ 100-200 का फर्क देखने को मिल सकता है। स्मार्टफोन में 6.5 इंच की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है जो कि काफ़ी अच्छी रेजोल्यूशन के साथ आती है। साथ ही क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है तो फोटोग्राफी भी अच्छी है और इसी के साथ 5000mAh की बैटरी है इस स्मार्टफोन में। तो दोस्तों गेमिंग के लिए भी ये स्मार्टफोन काफ़ी अच्छा रहेगा क्योंकि हाँ इसकी बैटरी भी आपको अच्छी देखने को मिलती है। परफॉर्मेंस की बात करें तो ठीक है और स्मार्टफोन की डिजाइन भी आपको अच्छा देखने को मिल जाता है बैक में। अब बात करें दोस्तों अपने अगले स्मार्टफोन की, जो कि दोस्तों हमारा होगा अब IQ की ब्रांडिंग के साथ IQ Z3, जो कि दोस्तों एक 5G स्मार्टफोन है। इस बात को आप ध्यान रखें, स्मार्टफोन में 8GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलता है। कीमत है 18,990 रुपये। इसकी कीमत ठीक है क्योंकि इसके स्पेसिफिकेशन काफ़ी अच्छे हैं, डिस्प्ले भी काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। 6.5 इंच की डिस्प्ले है जो कि काफ़ी अच्छी रेजोल्यूशन के साथ आती है। उसी के साथ बैक पे है ट्रिपल स्लॉट कैमरा सेटअप जो कि फोटोग्राफी भी काफ़ी अच्छी देता है और दोस्तों स्मार्टफोन में आपको 4400mAh तक की बैटरी भी देखने को मिलती है। तो हाँ स्मार्टफोन की फीचर्स काफ़ी अच्छे हैं 18,990 रुपये में। अब बात करें दोस्तों अपने अगले स्मार्टफोन की, जो कि दोस्तों हमारा है Redmi Note 10S। दोस्तों स्मार्टफोन काफ़ी अच्छा है, मैं स्मार्टफोन की काफ़ी बार हर वीडियो में तारीफ करता हूँ। स्मार्टफोन में 8GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज की कीमत 17,499 रुपये देखने को मिलती है। साथ ही 6.4 इंच की एक कमाल की AMOLED डिस्प्ले भी देखने को मिल जाती है। बैक पे है क्वाड कैमरा सेटअप, 5000mAh की बैटरी है। तो स्मार्टफोन के फीचर्स काफ़ी अच्छे हैं और डिज़ाइन उतना ही अच्छा देखने को मिलता है जितने इसके फीचर्स हैं। और दोस्तों गेमिंग के लिए स्मार्टफोन काफ़ी अच्छा है, प्रोसेसर काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। उसी के साथ बढ़ते हैं अगले स्मार्टफोन की तरफ, जो कि दोस्तों हमारा है रियलमी के ब्रांडिंग के साथ रियलमी 8 5G वेरियंट। इसमें आपको 8GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलती है, जिसकी कीमत है 18,499 रुपये। साथ ही इसमें 6.5 इंच की एक डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, 5000mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है और बैक पे है क्वाड कैमरा सेटअप। तो हाँ दोस्तों स्मार्टफोन का डिज़ाइन तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन दोस्तों स्मार्टफोन के फीचर्स इतने खास नहीं है। तो हाँ गेमिंग के लिए अगर ले रहे हैं तो 8GB रैम आपको इतनी कीमत में देखने को मिल रही है, लेकिन और फीचर्स चाहिए होते हैं वो आपको इसके अंदर अच्छे नहीं देखने को मिलते। 5G देखने को मिलता है, वो एक अच्छी बात है क्योंकि आगे वाले टाइम में तो 5G यूज़ होगा ही, लेकिन अभी से ही स्मार्टफोन को लेना जिसके इतने खास फीचर्स हैं नहीं और 8GB रैम ले रहे हैं तो ले सकते हैं, और फीचर्स चाहिए तो हाँ जी मत लें। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले स्मार्टफोन की, जो कि दोस्तों अब हमारा होगा Redmi Note 10 Pro। दोस्तों स्मार्टफोन में 6.67 इंच की एक डिस्प्ले देखने को मिलती है और कीमत की तो बात भूल ही गए। स्मार्टफोन की कीमत 8GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज की कीमत 18,999 रुपये देखने को मिलती है और साथ ही क्वाड कैमरा सेटअप बैक में है, 5020mAh की बैटरी देखने को मिलती है। परफॉर्मेंस के मामले में स्मार्टफोन काफ़ी अच्छा है, अगर जितने भी स्मार्टफोन की हमने बात करी है तो हाँ स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस उन स्मार्टफोन से काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। तो डिज़ाइन के मुताबिक भी और कई चीज़ परफॉर्मेंस या कैमरे के मुताबिक भी स्मार्टफोन की तरफ जाया जा सकता है और जितनी भी सेल हुई है उस स्मार्टफोन की सबसे ज्यादा सेल हुई है हमारी Redmi Note 10 Pro की। अब बात करें दोस्तों अपने अगले स्मार्टफोन की तरफ, जो कि दोस्तों अब हमारा होगा Oppo की ब्रांडिंग के साथ Oppo A53s 5G। जिस स्मार्टफोन की कीमत 8GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज की 16,499 रुपये देखने को मिलती है। साथ ही इसमें 6.5 इंच की डिस्प्ले है, 5000mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है, बैक पे ट्रिपल स्लॉट कैमरा सेटअप है। तो कैमरा क्वालिटी और डिजाइन स्मार्टफोन का काफ़ी अच्छा है। Oppo के ही स्मार्टफोन लेना चाह रहे हैं तो जी हाँ ये बेस्ट स्मार्टफोन रहेगा इस कीमत के मुताबिक। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले स्मार्टफोन की तरफ, जो कि दोस्तों अब हमारा होगा Infinix की ब्रांडिंग के साथ Infinix Note 10 Pro। इसमें 8GB रैम 256GB इंटरनल स्टोरेज 16,999 रुपये में देखने को मिलता है। ये एक नया स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है, साथ ही इसके फीचर्स भी इतने ही अच्छे हैं। इसमें 6.9 इंच की एक बड़ी डिस्प्ले देखने को मिलती है, बैक पे क्वाड कैमरा सेटअप है और साथ ही 5000mAh की इसके अंदर बैटरी है। तो स्मार्टफोन के फीचर्स तो कमाल के हैं, नया स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है नए फीचर्स के साथ। तो हाँ Infinix की ब्रांडिंग अगर आपको पसंद है तो आप स्मार्टफोन की तरफ जरूर जाएं, क्योंकि इसकी स्टोरेज आपको 256GB देखने को मिलती है उसी बेस प्राइस के मुताबिक।
सस्ता वाले वेरियंट भी आता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले स्मार्टफोन की तरफ, जो कि दोस्तों हमारी लिस्ट का आखिरी स्मार्टफोन होगा, सैमसंग गैलेक्सी A22 5G। स्मार्टफोन की कीमत है 19,650 रुपये, 8 GB रैम, 128 GB इंटरनल स्टोरेज की, साथ ही इसमें 6.6 इंच की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, और उसी के साथ इसमें ट्रिपल स्लोट कैमरा सेटअप और 5 mAh की बैटरी है। ये दो सैमसंग का पहला स्मार्टफोन है जो हमारी इस लिस्ट में आया है, क्योंकि दोस्तों स्मार्टफोन की सेल 2021 में काफ़ी हाई रही है, इसलिए ये लिस्ट में बनना तो बनता था, क्या पता आपको भी ये स्मार्टफोन ज़्यादा पसंद आता हो। सो दोस्तों ये हमारे स्मार्टफोन, आपको कौन सा स्मार्टफोन ज़्यादा पसंद आया कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये बड़ी लिस्ट थी इसलिए दोस्तों ज़्यादा फीचर्स की हमने बात नहीं करी। अगर कोई स्मार्टफोन आपको पसंद है, कोई भी दो स्मार्टफोन में या तीन स्मार्टफोन में कन्फ्यूज हो रहे हैं, तो कमेंट जरूर कर सकते हैं, उसके बारे में डिटेल वीडियो में हम बात करेंगे, ताकि आप कन्फ्यूज ना हो और आप अपने घर ला सके एक अच्छा खासा स्मार्टफोन, 8 GB रैम और 128 या फिर 256 GB इंटरनल स्टोरेज। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको आज की कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को दोस्तों लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों बिल्कुल भी ना भूलें। मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद, और नोटिफिकेशन बेल दबाना दोस्तों बिल्कुल भी ना भूलें।